नमस्कार दोस्तों, खबर एक्सपोज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस समय हम खंडवा के श्री नंद कुमार सिंह चौहान शासकीय मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में आए हुए हैं और यहां पर एक व्यक्ति जो एक मोटरसाइकिल से गिरने के बाद गंभीर अवस्था में, जिन्हें 8 दिन पहले यहां खंडवा के अस्पताल में लाया गया था, तो यहाँ पर आने के बाद इनके सामने ये समस्या आ रही है कि इनका आयुष्मान कार्ड नहीं बना हुआ है और इनके पैर में गंभीर चोट है। एक्सरे रिपोर्ट में करीब पाँच से सात जगह फ्रैक्चर बताए जा रहे हैं और उंगली पैर की अंगुली में काफ़ी गंभीर चोट बताई जा रही है। तो 8 दिन से पिछले मंगलवार की बात है जो एक्सीडेंट के बाद ये खंडवा के अस्पताल में यहाँ पर एडमिट हैं, लेकिन अभी तक इनके ऑपरेशन या बेहतर इलाज के संबंध में अभी तक कोई काम शुरू नहीं हो पाया है और आयुष्मान कार्ड नहीं होने की वजह से ये इलाज का इंतजार कर रहे हैं और ये इनकी काफ़ी आर्थिक स्थिति खराब है। तो हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी क्या समस्या है। तो खबर को देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। क्या नाम है भैया आपका? दीपक तोमर। दीपक तोमर कहाँ रहते हैं? खालवा पुनर्वास। खालवा पुनर्वास, क्या हुआ था, आप यहाँ पर कितने दिन से भर्ती हैं, क्या समस्या है? मंगलवार नाइट में एक्सीडेंट हुआ था 7:30 बजे। अच्छा। खालवा हॉस्पिटल में लाए तो वहाँ से यहाँ रेफर कर दिया रात में। हाँ। जब से इलाज नहीं कर रहे, मतलब ऑपरेशन रोक के बैठे कि आयुष्मान कार्ड चाहिए। अच्छा। और वो नहीं रहेगा तो 40-50 हजार रुपये। 40-50 हजार रुपये लगेंगे। अच्छा। तो आपकी ऐसी स्थिति है कि नहीं कि आप? नहीं है, मैं तो भाई यहाँ सर क्यों इलाज कराता हूँ। अच्छा। जो मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हुआ था तो आपके पैर में कितनी जगह चोट आई है, एक्सरे में क्या दिख रहा है? एक्सरे में मेरी पैर की उंगलियाँ 2 टूट गई है। हाँ। एक कटेगी उसमें से। अच्छा। और हाथ की 2 उंगलियां गई, कंधा गया है। हाँ। पसली गई है। हाँ। और घुटने की कटोरी गई है। अच्छा। 5 जगह फ्रैक्चर है। 5 जगह फ्रैक्चर तो पैर का ऑपरेशन होगा। पहले से रॉड डली हुई थी। पहले से रॉड डली हुई थी। हाँ, 2003 में। और ये दूसरा एक्सीडेंट? ये दूसरा वही पैर में हुआ। अच्छा, वही पैर में दूसरा हुआ। हाँ। तो 8 दिन से आप इलाज का इंतजार कर रहे हैं। हाँ। आप क्या चाहते हैं? मैं ऑपरेशन चाहता हूँ। अब आयुष्मान कार्ड तो लेट बनेगा। हाँ। हमारे खालवा के सरपंच सचिव से ही बात हुई तो उसमें समय लग रहा है, तो मैं कब तक ऐसा पड़े रहूंगा, मेरा इलाज भी नहीं हो पा रहा है। हमारी इस खबर में फिलहाल इतना ही। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल खबर एक्सपोज को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। नमस्कार।